दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम आपको दिखाएंगे फिल्म सिटी का कोना कोना, यहां तक कि कपिल शर्मा के शर्ट पर भी चलते हैं। आज दोस्तों मैं फिल्म सिटी के गेट पर हूं इस वक्त, और ये जो पीछे बस खड़ी है इसमें लोगों को 1000 रुपये लेकर पूरा फिल्म सिटी घुमाते हैं। खैर, मैं तो फिल्म सिटी में कहीं भी जा सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक्टर हूं, और पीछे गेट भी दिख रहा है आपको कोशिश। और ये पीछे बॉलीवुड पार्क जो बना हुआ है, ये बॉलीवुड पार्क फिल्म सिटी के अंदर ही एक नई दुनिया है, जिस बॉलीवुड पार्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के सेट लगे हुए हैं। जो भी जाता है दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा, उसमें प्रोग्राम भी होता है, शोज भी होता है। हाय दोस्तों, मैं हूँ रियाज, इंडियन बॉलीवुड एक्टर, और इस वक्त मैं हूँ फिल्म सिटी के गेट पर। और ये जो दिखा रहा हूँ बॉलीवुड पार्क है, ये पोस्टर है। बहुत से लोग देखने जाते हैं, तो फिल्म सिटी के अंदर ये एक एरिया है जहाँ पर पुरानी फिल्मों के सेट भी लगे हुए और वहाँ पर लाइव शोज भी होते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है जो लोग घूमने जाते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको फिल्म सिटी घुमाने के लिए ले चल रहा हूं अंदर। देखते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूं, चलिए। तो दोस्तों, मैं फिल्म सिटी के अंदर घुस चुका हूं, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, और एक बस में इस वक्त बैठा हूं। बस में बहुत अच्छा गाइड करने वाले हैं, शायद दिखाऊंगा। यह फिल्म सिटी का मेन ऑफिस पीछे, सबसे पुराना। ये बस है जिस बस में बैठकर लोग घूमते हैं फिल्म सिटी, 1000 रुपया देकर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं द कपिल शर्मा शो का बहुत ही खूबसूरत सेट। अंदर दिखाना अलाउ नहीं है। और बंगले हो, पैसे हो, सब कुछ इसी में होते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो। कितने बंदर हैं दोस्तों। ये फिल्म सिटी के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, और इस गार्डन में बंदर बहुत आते जाते हैं, और बहुत सारी फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि खूबसूरत गार्डन में हीरो हीरोइन के काफ़ी सीन ऐसे गार्डन में होते हैं, दौड़कर भागते हैं बंदर जब आओ। बहुत प्यारा सा गार्डन है ये फिल्म सिटी का। इन सभी लोगों ने 1000-1000 रुपया देकर फिल्म सिटी के अंदर एंट्री मारी है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, लेकिन सब कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अंदर हैं। वैनिटी के अंदर सारे कलाकार बैठते हैं, इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पेड़ पालो, आजू बाजू में बिल्डिंग और होटल है। बहुत सारे फिल्मों के गाने यहीं पर अक्सर शूट हुआ करते हैं। यह मराठी बिग बॉस का सेट, ये देख रहे हैं बिग बॉस लिखा हुआ, ये मराठी में बिग बॉस जो आता है वो उसका सेट। और चलिए आगे, ये बहुत सारे ये ब्रिज दूर देख रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है। इसमें जाते हैं या तो इसमें से निकलते इसमें जाते हैं तो ही दिख पाते हम लोगों को, ठीक है। आज इनकी शूटिंग 2 बजे के बाद से शिफ्ट चालू होगी यहाँ पर, ठीक है। आज ये तलाशी करते हैं। हेलो, यहीं पर वेलका वो सॉरी कौन सी है, अच्छा देवदास में शाहरुख खान तालाब में डुबके लगाते हैं इसी तालाब में,
अब आप सोच रहे हैं कि इतने गंदे पानी में चारों खंड निकल जाएंगे तो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस पिक्चर के लिए पूरा पानी चेंज करके बिस्लेरी डाला था। अरे हाँ, पहले सस्ता था, अभी महंगा हुआ है। इसी में तालाब में ज्यादातर सीरियल पिक्चर में लाशें मिलती है, जैसे सावधान इंडिया, सीआईडी, क्राइम डीजल, सॉरी क्राइम पेट्रोल होता है, ठीक है। सामने मैदान में पुरानी फिल्मों में डाकू और गुंडे लोग के अड्डे होते थे। विलेन बोलता था आज मेरा 50 करोड़ का सोना आ रहा है, अब खुद आते थे 2000 पर डे के हिसाब से। सिर्फ डायलॉग होता था उनका, है ना, करोड़ों के हीरे कभी देखा पहनते हुए नहीं, खाली बोल वचन, है ना। अच्छा, एक फिल्म आपके घर पे आती, टैंगो चार्ली, देखा है? अरुणाचल प्रदेश की एक सीन थी, उसमें याद होगा पेड़ पे गुंडे चढ़े होते हैं, वो छिप के जो चिल्लाते हैं, कोड भाषण बात करते हैं, जो आपकी तरह विलेन नहीं थे उसमें, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, वो यहीं पे हुआ था ये सीन। और इसी के अंदर पाइप डाल के छिप जाते हैं सब, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हेलो, चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग 1000 रुपया टिकट निकालकर बसों में घूमने जाते हैं, ये सिर्फ फिल्म सिटी कहाँ से कहाँ तक है, मेरे ख्याल से आधी फिल्म सिटी दिखाते हैं। और अगर रास्ते में कोई टकरा गई, कोई शूटिंग बीच में हो रही है, तो आपका नसीब ही है कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर करण जोहर सर का सेटअप लगा हुआ, बहुत बड़ा सेटअप लगा है। दोस्तों, ये फिल्म सिटी का हेलीपैड एरिया है और ये वही जगह है जहाँ पर वेलकम फिल्म में वो घर गिरता है, दिखाते हैं। दोस्तों, इस लोकेशन को आप देख सकते हैं, दोस्तों फिल्म सिटी का सबसे ऊंचाई वाला लोकेशन है ये, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। फिल्म वेलकम में एक घर दिखाया गया है, इसी जगह का होता है जो पहाड़ियों से गिरता है। लेडीज बताइए, सीरियल में यहाँ पे क्या होता है? एकदम सही, हीरोइन यहाँ खड़ी होती, साथ में गंदी सी आंटी होती है, बातचीत कर ही धक्का दे दिया। कोई मरते नहीं, सब केबल से बंधे होते हैं, क्रेन से वापस आ जाते हैं। फिर वही लड़की 4-5 एपिसोड पर जिंदा होती है और बताती गांव वाली लेके कोमा में चली गई थी। कोई गांव वाले होते नहीं, सब पूरे गांव वाले होते सब। नहीं, मेरी चार आगे इधर रखा है, ठीक है। सर, आपके घर पे एक मूवी आती है, कौन है प्यार है, ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल सिर्फ से छूट जाते हैं और थाईलैंड के टापू पे जाकर डांस करते हैं, वो रहा सामने थाईलैंड। इसे कहते हैं मुंबई का विहार पवई लेक, मुंबई के लोग यहीं। सर, हेलो सर, कुछ काम की बातें हो जाए, सर सुनिएगा, आप लोग बॉम्बे घूमने के लिए हैं सर? एक एड्रेस दे रहा हूँ सर, अगर मौका मिले तो वहाँ जाइएगा घूमने के लिए। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे टिकट नहीं लगती है। अगर आप वहाँ गए और एक एरिया सर जी, अगर आप वहाँ गए और अपने दोस्तों से वीडियो कॉलिंग करके कहोगे आप कि मैं इस वक्त लंदन में हूँ, दुबई में हूँ, मलेशिया में हूँ, यूरोप में हूँ, अरे इमली भाई, तेरे
ये जो पीछे घर दिख रहा है फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन साहब का ये घर बताया गया है। लेडीज आ गए थे, जेंट्स पीछे हैं। लेडीज आ गए हैं। एक्चुअली जो लेडीज होती है ना बहादुर की तरह होती है, जेंट्स अमिताभ बच्चन की तरह होती है। मैम और आ गई, 100 ग्राम आ गई, प्लीज यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए प्लीज। और आ गई मैम, आगे आइए ना प्लीज। भाई ऐसे हो जाओ आप, हेलो यहाँ आइए और आगे आइए, सब ऐसे हो जाए प्लीज। चलिए मोबाइल में वीडियो बनाना चालू करें आप लोग, आ जाने वाली है। और जब तक आप जिंदा रहेंगे इसके बारे में सोचेंगे 110% हंसी आ जाएगी। अगर आप मैयत में खाली इसके बारे में सोचो, हंसना है जिंदगी भर की मुस्कुराहट दे रहे हैं आपको, क्योंकि बागबान फिल्म का बंगला है। बागबान फिल्म एक हफ्ते में 7 दिन होता है तो 21 बार आती हूँ, है ना। आइए अंदर चलते हैं, शुरू होते खत्म हो गया, ठीक है चलो भाई बंद कर दो। दोस्तों ये मंदिर है और ये वो मंदिर है जिस मंदिर में कभी मूर्तियां नहीं रखी होती है, क्योंकि ये फिल्मी मंदिर है और ये फिल्म सिटी के अंदर है। इस मंदिर को बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों जिस बंदे की शूटिंग होती है, जिस फिल्म की शूटिंग होती है, उसी टाइम तक इस मंदिर में मूर्तियां होती है। ये देखिए सीट चल रही है, ये देखिए केकड़ा दिखा वापस से सांप पकड़ रहा है इधर, वो इमली है और हम लोग कच्चा आम है। नहीं इतना बजट नहीं है, बनेगा बचा ले इमली को। ये लेडीज जो सीरियल देखती है सब उन्हीं के लिए फायदे की चीज है बस। हाँ जी दोस्तों, ये वो कोर्ट है जो हर फिल्म में दिखाया जाता है, जो इस वक्त फिल्म सिटी के अंदर है। यही वो कोर्ट है जिसमें दामनी फिल्म में, बहुत सारी फिल्मों में कोर्ट यही दिखाया गया है। और इसके बाजू में ही जो सारी वैनिटी लगी है, कपिल शर्मा का शो, सारी वैनिटी जो है कलाकारों की है। इन्हीं वैनिटी में से एक में मैं अभी जाऊँगा, कपिल शर्मा का यश। हाँ दोस्तों, मैं रियाज इंडियन कॉमेडियन एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, और आज मैं आपको कपिल शर्मा के सेट पे, द कपिल शर्मा शो के सेट पर लेकर जाऊंगा। बस बिल्कुल जस्ट पीछे जो गाड़ियां खड़ी हैं ये सब उन्हीं के सेट की, सारे कलाकारों की वैनिटी है। कोशिश करता हूँ आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं कपिल शर्मा के सेट पर पहुँच चुका हूँ और पीछे कपिल शर्मा की तस्वीर दिख रही है और ये लाइन से पीछे वैनिटी भी खड़ी हुई है। दोस्तों ये फिल्म सिटी के अंदर कैंटीन है, यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं चाय पानी नाश्ता करना हो, खाना खाना हो, तो इस कैंटीन में अवेलेबल है। दोस्तों ये द कपिल शर्मा शो का सेट है, ये जो दिख रहा है आपको कपिल शर्मा का पोस्ट फोटो लगा हुआ है। कपिल शर्मा का शो देखने जो ऑडियंस बिठाते हैं इसी रास्ते से अंदर जाते हैं। सामने सारी वैनिटी में कपिल शर्मा शो के कलाकार होते हैं। तो यह है फिल्म सिटी भैया, यहाँ असली कम और नकली ज़्यादा दुनिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा हो। ये सारी वैनिटी एक के बाद एक लगी है, ये
द कपिल शर्मा शो के सारे कलाकारों के लिए एक वैनिटी एक कलाकार के लिए। यह है गौरव दुबे की वैनिटी। अजो यह है हमारे दोस्त गौरव दुबे की वैनिटी, जिसमें मैं उनको आने से पहले आ चुका हूँ। देखिए बहुत प्यारा सा ये वैनिटी है, दिखा दूँ मैं आपको। दोस्तों इस तरह से होती है फिल्म स्टारों की वैनिटी। वैनिटी जितना बड़ा स्टार होता है उतना ही बड़ी खूबसूरत, उतना बड़ा वैनिटी होता है, उतना ही खास चीज़ें होती हैं उसमें। ये हमारे दोस्त की वैनिटी, इसलिए आपको इतना प्यार से इतना तरीके से आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ बैठकर एक मेकअप होता है।